जी हाँ, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सब यहाँ पे टाइटल को देख पा रहे होंगे कि बुमराह ने रचा इतिहास, 100 रन पर ढेर हुआ वेस्ट इंडीज, भारत की रोमांचक जीत, इसे मिला मैन ऑफ द मैच। तो इसमें जानेंगे कि हाल फिलहाल में जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत ने टेस्ट मुकाबला खेला है उसमें भारत को कैसे जीत मिली और पूरे उस टेस्ट मैच की विस्तार से जानकारी को जानेंगे और कौन मैन ऑफ द मैच रहा, सबके बारे में आप लोगों को यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो ऐसे में आप लोग बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, अगर आप लोग भी भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिल सके। तो चलिए, अब आप लोग का ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एंटीगुआ में खेले गए भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन मेहमान टीम भारत ने मेजबानों को 318 रनों के बड़े अंतर से रौंदकर टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। और ऐसे में भारत की ओर से खेल के चौथे दिन बुमराह के पंजे के चलते मात्र 100 रन पर ही ढेर हो गई और रहाणे को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। तो ऐसे में रनों के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत की विदेशी धरती पर यह सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है उनकी, और वहीं इसके अलावा विराट की कप्तानी में यह उनकी 27वीं जीत भी मानी जा रही है। और वहीं हम आपको बता दें कि विराट कोहली ने विदेशी धरती पर सर्वाधिक टेस्ट जीतने के मामले में सौरव गांगुली को पीछे छोड़ दिया है। और वहीं हम आपको बताएं कि खेल के तीसरे दिन असहज सी दिखाई दे रही भारतीय टीम ने धमाकेदार वापसी की और भारत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने तो निराश किया ही, तो वहीं मिडिल ऑर्डर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। तो ऐसे में रहाणे और जडेजा के संघर्ष से भारत ने पहली पारी में 297 रन का सम्मानजनक स्कोर बनाया और वहीं वेस्टइंडीज की टीम इन रनों के जवाब में 222 रन पर ही ढेर हो गई थी। तो ऐसे में 77 रन की उन्हें बढ़त हासिल हुई। और वहीं हम आपको बताएं कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए भारत की तरफ से रहाणे और कोहली ने बेहतरीन पारी खेली और वहीं कोहली अर्धशतक बनाकर आउट हुए, तो वहीं रहाणे ने बिहारी के साथ मिलकर बेहतरीन साझेदारी बनाई और अपना शतक पूरा। और वहीं भारत की दूसरी पारी 343 रन पर ही घोषित हो गई। तो ऐसे में वेस्टइंडीज को 419 रनों का लक्ष्य मिला और वहीं 419 रनों के लक्ष्य के जवाब में उतरी वेस्टइंडीज की पूरी टीम मात्र 100 रन बनाकर ही ढेर हो गई। और ऐसे में 15 रन पर शुरुआती विकेट गिराने के बाद 50 रन पर मेजबान टीम के 9 विकेट गिर चुके। तो ऐसे में थीम रूस्टन चेज और कमिंग्स ने मिलकर भारत की जीत को कुछ देर तक टालने का काम करा। तो ऐसे में ईशांत शर्मा ने चेज को आउट करके भारत को 318 रनों से जीत दिलाई। तो वहीं हम आपको बताएं कि भारत की ओर से बुमराह को 5 विकेट मिले और वहीं ईशांत शर्मा को 3 और मोहम्मद शमी को 2-2 विकेट मिले। और इसके अलावा बुमराह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज की धरती पर 5 विकेट हासिल कर लेने वाले एशिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों यही था पूरे मैच का हाल कि आखिरकार 4 दिन का जो टेस्ट मैच हुआ उसमें क्या क्या घटा। तो अब आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को दोबारा रहाणे को फॉर्म में देखते हुए कैसा लग रहा है। अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा। मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।